हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओ विथ हस में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए 17 सितंबर का एग्जाम समाप्त हो गया है, तो उसी के बेस पे आने वाले दिनों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं वो क्वेश्चन लिया हूँ। और ये जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ, समझ जाइए ये सीजीएल के किसी न किसी एग्जाम में और पूछे गए हैं। अपने आप में एकदम बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं तो समझ जाइए आने वाले दिनों में बाई चांस अगर आप लोगों का पेपर, सोचिए, मॉडरेट या हार्ड लेवल का बनता है तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि देखिए 80 से 90% क्या होता है, PYQ बेस रहता है। तो उम्मीद करता हूं कि इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग देखिए इस क्लास की सोल्यूशन PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो चलिए आइए सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक चोर एक वस्तु चुराता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागता है। 6 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी मौकाए वारदात पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। 24 मिनट बाद जब पुलिसकर्मी चोर का पीछा करने लगा तब भी दोनों के बीच 400 मीटर का अंतर है। अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ेगा और पुलिसकर्मी किस गति से भाग रहा है, मतलब कुल मिलाकर पुलिस की स्पीड और पुलिस का डिस्टेंस हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग इस सवाल के थोड़ा सा मैं फिगर बना के आपको समझा देता हूँ। वैसे इस सवाल को फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझिए। मान लीजिए आपका ये स्थान ए है, सोचिए, ठीक यहाँ तक है, यहाँ तक स्थान ए है, समझिए। और यहाँ पे आपका क्या है, स्थान मान लीजिए ये आपका क्या दे दिया गया है, बी दे दिया गया है। आप लोग अच्छे से समझिए, फिगर में थोड़ा सा मैं आपको बना के एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद से इस टाइप का एक और क्वेश्चन लिया हूँ जिससे आप लोगों का कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए चोर, मान लीजिए ये क्या है, चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है 6 मिनट में। मान लीजिए चोर जो है 6 मिनट में कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ जाएगा। 6 मिनट में मान लीजिए चोर कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा, मान लीजिए डिस्टेंस कितना यक्स किलोमीटर, ये क्या हो रहा है, कवर कर रहा है। आप लोग अच्छे से समझिएगा, मान लीजिए 6 मिनट में चोर यहाँ पे आ गया। दूसरी बार से क्या बोला गया है, देखिए आगे बोला गया है 24 मिनट बाद पुलिसकर्मी चोर का पीछा करने लगा तब दोनों के बीच का अंतर कितना था, 400 मीटर का। देखिए अगर चोर यहाँ से, देखिए 24 मिनट में मान लीजिए चोर यहाँ पर पहुँचता है, ये आपका प्लेस मान लीजिए सी है, यहाँ से मान लीजिए ये आपका प्लेस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से समझिए, देखिए चोर 24 मिनट में ये टाइम कितना ले रहा है, 24 मिनट ले रहा है ना, 24 मिनट में चोर यहाँ पे पहुँचता है। उतने ही टाइम में, देखिए उतने ही टाइम में पुलिस कहाँ पे पहुँच रहा है, ये मान लीजिए आपका स्थान डी है, यहाँ पे पहुँच रहा है। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, यही आपको क्या दे दिया गया है, यही आपका डिस्टेंस दिया है, कितने का अंतर है, सॉरी 400 मीटर का अंतर दे दिया गया। देखिए तो कहानी कुल मिलाकर ये कहानी थी। अब देखिए इस सवाल में आपको क्या है, देखिए एक तो तरीका है डिटेल सॉल्व कीजिए, तो वो अप्रोच हम लोग नहीं लगाएंगे, मैं आपको क्या बताऊँगा, एग्जाम अप्रोच बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैं फिगर बनाया हूँ, उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, बस थोड़ा सा आप लोग अच्छे से इस सवाल को कीजिए, क्योंकि देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कम ही लोग सॉल्व कर पाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए 6 मिनट एकदम डायरेक्ट तरीका, देखिए एकदम बेसिक से हट के एग्जाम वाली अप्रोच, यहाँ पर 6 मिनट दिया गया है और यहाँ पर भी 24 मिनट दिया गया है, तो सीधे सीधे आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए 6 मिनट प्लस ये क्या लिखेंगे आप लोग, 24 मिनट। 6 मिनट और 24 मिनट को अगर जैसे ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 30 मिनट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 मिनट आ जाएगा। अब यहाँ से क्या निकालना है, देखिए 30 मिनट में चोर द्वारा, देखिए 30 मिनट में चोर द्वारा यहाँ से आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस आप लोग समझ जाइएगा। अब देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड, स्पीड आपका कितना दे दिया गया है 20, और टाइम आपका कितना दिया है 30 दे दिया गया है, मिनट है, घंटे में बदलेंगे, नीचे क्या कर देंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 30 दुना के 60 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 को अगर 20 से डिवाइड कर देंगे कितनी बार में चला जाएगा, 10 बार में। कुल मिलाकर यहाँ से देखिए चोर की डिस्टेंस कितनी आ गई है, ये 10 किलोमीटर चल रहा है, देखिए चोर का डिस्टेंस 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप लोग निकालेंगे पुलिस, देखिए यहाँ पर आप लोग क्या निकालेंगे, पुलिस डिस्टेंस, पुलिस का डिस्टेंस अगर आप लोग निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा 10 में से। अब देखिए ये 400 है, 400 मीटर में दिया है,
इसको किलोमीटर में बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, जैसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आपको कितना घटाना पड़ेगा 0.4, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए पुलिस कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो 9.6 किलोमीटर क्या कर देगा डिस्टेंस ये कवर करेगा। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो देखिए ये आपको निकालना पड़ेगा पुलिस की स्पीड, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए पुलिस की आपको क्या ज्ञात करनी है, स्पीड ज्ञात करना है, और स्पीड बराबर क्या होता है, देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका कितना दे दिया गया है 9.6, अब बटा में देखिए टाइम, टाइम आपको क्या लेना है, देखिए 24 मिनट लेना है, यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे 24 मिनट, और ये 60 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 24 चौके कितना होता है 96, 4 और 6 चौके 24, मतलब यहाँ पे पुलिस की स्पीड कितनी आ गई है, तो 24 किलोमीटर ये पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले पुलिस द्वारा किस गति से भागा, तो देखिए एक तो हम लोग ज्ञात कर लिए, क्या ज्ञात कर लिए, पुलिस की स्पीड हम लोग ज्ञात कर लिए हैं, अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए पुलिस का स्पीड हमें कितना आ गया है 24 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए स्पीड रेशियो, यहाँ से हमें क्या लेना है स्पीड रेशियो, स्पीड यानी पुलिस का स्पीड, और देखिए चोर यानी थिप टी एच लिख देता हूँ, देखिए पुलिस की स्पीड आपको कितना आ गया है 24 रेशियो, और थिप का कितना दिया है, देखिए 20 दे दिया गया है, और जैसे डिवाइड करेंगे किस से, 4 से, 4 6 24, और ये 4 5 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब टाइम सेम रहता है तो जो स्पीड का रेशियो रहता है वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर आपको कितना दिया है 400 मीटर, ये 400 मीटर का दे दिया गया है, तो आप लोग अगर 6 यूनिट बराबर जैसे यहाँ पे निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 6 यूनिट बराबर आ जाएगा 2400, ये मीटर में आ जाएगा, जैसे इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 2.4 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। अब देखिए टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालना है किसका, पुलिस द्वारा, तो देखिए पुलिस कितना डिस्टेंस यहाँ पे 9.6 और यहाँ पे 2.4, तो यहाँ पे अगर आप लोग ऐड कर देंगे 9.6 + 2.4 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये कितना आ जाएगा, देखिए 6 4 10 9 2 11 1 12 किलोमीटर, इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर, और ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ ये वाला स्पीड आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए इस सवाल को मैं फिगर बना के पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हूँ, और यही इस सवाल का बेस्ट तरीका है। अगर आप लोग डिटेल में चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इस पर मैं शॉर्ट वीडियो अच्छे से बना के वहाँ पर भी आपको मैं समझा दूंगा। तो चलिए आइए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लिया हूँ, देखिए उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखिए इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। लिखा गया है एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागता है। 4 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी घटना स्थल पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा आरंभ करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच अभी भी देखिए 200 मीटर का अंतर है। अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। अब देखिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहला क्वेश्चन देख लिए होंगे। देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। देखिए यहाँ पे आपका कितना दिया है 4 मिनट दे दिया गया, यहाँ पे कितना दे दिया गया है 16 मिनट, तो कुल मिला के हम लोग क्या निकाल देंगे, देखिए कुल मिला के हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस हम लोग यहाँ से क्या निकाल देंगे डिस्टेंस बाई चोर यानी थिप यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए जैसे डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए स्पीड, स्पीड है आपका 15 और देखिए टाइम आपका कितना दिया गया है 16, और 4 जोड़ देंगे 20, और बटा में इसको 60 कर देंगे, जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी हुचकी आ रही थी, देखिए 20 3 60 और 3 5 15, मतलब यहाँ पे चोर की डिस्टेंस कितनी आ गई है, तो 5 किलोमीटर ये क्या आ गई है चोर की डिस्टेंस। तो यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना है, पुनः हम लोग क्या निकाल देंगे पुलिस की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, पुलिस बाई डिस्टेंस, देखिए पुलिस बाई अगर आप लोग डिस्टेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये 5 रहेगा। अब देखिए इसके बीच का कितना दे दिया गया है 200 मीटर का अंतर है, जैसे मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.2, जैसे यहाँ पे घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 4.8 ये किलोमीटर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा पुलिस की डिस्टेंस आ जाएगी। अब यहाँ से आपको क्या करना है, तो देखिए अब पुलिस का आप लोग क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ से आप लोगों को निकालना पड़ेगा स्पीड, निकालना पड़ेगा पुलिस की स्पीड, जैसे निकालेंगे तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस 4.8 बटा में, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम, टाइम क्या लेना है मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 मिनट, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है 16 लिखना है, और बटा में 60 करेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, देखिए 16 3 48 और
सोरत यहाँ कितना आ जाएगा 48 और छतरी 18, मतलब यहाँ से स्पीड कितनी आ गई है देखिए 18 किलोमीटर ये पर आवर स्पीड आ गई है। किसकी आ गई है तो ये पुलिस की स्पीड आ गई है। अब आपको क्या लेना है देखिए स्पीड रेशियो निकाल दीजिए, डायरेक्ट देख रहे हैं देखिए इस सवाल में फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए पुलिस की स्पीड कितना दे दिया गया है 18 और उसके बाद से चोर का हमें कितना दे दिया गया है स्पीड 15। जैसे इसको क्या कर देंगे अगर तीन से काटेंगे देखिए 3 6 18 3 5 15 तो टाइम तो सेम लगेगा। तो यहाँ से अगर आप लोग निकाल देंगे देखिए डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाएगा 6:5। तो 1 यूनिट देखिए अंतर कितने का है 1 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है 200 मीटर। यहाँ से 6 यूनिट बराबर पूछा गया है तो कितना आ जाएगा ये 1200 क्या आ जाएगा मीटर। इसको जैसे किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 किलोमीटर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमसे क्या निकालना है पुलिस का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाई क्या निकाल देंगे पुलिस, क्या निकाल देंगे पुलिस, तो कितना आ जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय पुलिस। देखिए वहाँ पे कितना कवर कर रहा था तो 4.8 प्लस यहाँ पे 1.2, जैसे ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 6 किलोमीटर। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी और स्पीड कितनी आ जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि अपने आप में ये बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी सवाल आपके CGL में पूछा गया है तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए देखिए, और इस सवाल को मैं सॉल्व करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ डाटा बस इरिलेवेंट दे दिया गया है, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। तो चलिए इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है ए किसी कार्य का 1/3 भाग 32 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 37% भाग 24 दिन में कर सकता है, जबकि सी उसी कार्य का देखिए 60% भाग 48 दिन में कर सकता है, बी और सी ने एक साथ कार्य शुरू किया यक्ष दिन तक कार्य किया और यक्ष दिन के बाद बी कार्य छोड़ दिया, ए सी से शामिल हो गया और दोनों शेष कार्य को यक्ष प्लस 8 दिन में पूरा किया, यदि बी प्लस सी द्वारा एक साथ किया गया कार्य ए प्लस सी द्वारा एक साथ किए गए कार्य के का अनुपात कितना दे दिया गया है 9:11 दे दिया गया है, तो उस कार्य का कितना भाग सी अकेले 3.5 दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए भी मल्टीपल अप्रोच है, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताता हूँ आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है तो देखिए ए, यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे समझिए देखिए ए बराबर आपको कितना दे दिया गया है, देखिए बोला गया है ए किसी कार्य का 1/3 भाग 32 दिन में, तो देखिए 1/3 मतलब 33% भाग 32 दिन में, तो 100% कितना आ जाएगा यहाँ से या तो ऐसे समझ लीजिए या सीधे 32 का 3 में आप लोग गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 96 दिन में। और बी के बारे में क्या बोल रहा है देखिए बी के बारे में बोला गया है बी कैन डू 37% और 37% को आप लोग क्या लिख सकते हैं देखिए 3/8 ये कितने दिन में तो ये 24 दिन में, देखिए 3 से जैसे डिवाइड करेंगे 3 8 24 और 8 8 64 तो बी कितना आ जाएगा ये 64 आ जाएगा। उसी प्रकार सी के बारे में देख लीजिए क्या बोला है 60% 60% को आप लोग क्या लिख सकते हैं 3/5 ये कितने दिन में कवर कर रहा है तो 48 दिन में, देखिए जैसे इसको 3 से 48 को डिवाइड करेंगे 16 सॉरी अब देखिए इस 5 का जैसे इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है देखिए तीनों का एलसीएम निकाल देंगे तो जैसे अगर आप लोग इसका एलसीएम लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ से मिल जाएगा देखिए 960 मिल जाएगा। अब इसको इसकी इफिशियंसी देखिए 96 को 960 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 15, देखिए 15 4 60 15 6 90 6 जोड़ देंगे 96 यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 12। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है मैं कलम चेंज करता हूँ देखिए बी और सी एक साथ कार्य शुरू किए यक्ष दिन तक कार्य किए, मतलब कहानी ऐसे है ऐसे आप लोग समझिए, मान लीजिए यहाँ पर बी और सी है ठीक, ये क्या कर रहे हैं यक्ष दिन तक कार्य किए, उसके बी के बाद यहाँ से क्या हो गया बी छोड़कर चला गया है, अब ए के साथ क्या आ रहा है सी शामिल हो जाए, ये पूरा कंप्लीट कार्य को कितने दिन में तो यक्ष प्लस 8 दिन में कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, बस इतना ही आपको करना था। देखिए अब हमसे क्या बोला गया है बी और सी, देखिए बी और सी यहाँ पर बी और सी 12 यहाँ पे देखिए बी और सी का मान कितना है 15 और 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 27, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 27 से गुणा कर देंगे 27 यक्स प्लस ले लेंगे। अब देखिए ए के साथ और सी का पेयर बनाइए, ए और सी जब आ रहे हैं तो 10 और 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 22, तो यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे 22 से गुणा कर देना है और यही बराबर टोटल वर्क कितना है हमारा 960 आ जाएगा।
अब देखिए जैसे आप लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे 27x और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 22x और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 22 गुणे कितना आ जाएगा आपका 8 बराबर यहाँ पे कितना दे दिया गया है 960। तो अगर इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 49x मिल जाएगा। अब देखिए ये वाला टर्म देखिए ये 22 गुणे 8 उस साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। देखिए 8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें कॉस्ट में मिलेगा आपको 120, 8 कम 8 8 दुना के 16 और माइनस क्या मिल जाएगा तो ये 22 मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर घटाएँगे तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 8 गुणे कितना आ जाएगा 98 और यहाँ पर कितना दिया है 49x, 49 से ये 98 काटेंगे दो मतलब हमें x बराबर कितना मिल गया है, देखिए x बराबर आ गया है 16, x बराबर 16 आ गया है। देखिए हमसे क्या, देखिए इस डाटा जो ये वाला दिया है ना, यदि b प्लस सी द्वारा एक साथ किया गया कार्य ए और सी एक साथ किए गए कार्य के अनुपात इतना, इसका हमें कोई यूज नहीं है, समझ जाइए ये आपको दिया है बस गुमराह करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। अब बस हमसे जो पूछा गया है निकाल देंगे। देखिए यहाँ से हमें सी सी का मान कितना निकालना है, तो देखिए सी है आपका 3.5 और यक्स बराबर निकाल दिया है 16 और सी की इफिशेंसी यहाँ पे कितनी आ गई यहाँ पे देख सकते हैं 12 गुणा करना है और बटा में ये क्या करना है, देखिए टोटल वर्क हमारा कितना है 960 है। अब देखिए जैसे इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 16 × 96 यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। देखिए 12 × 5 = 60 यहाँ से जैसे कटा देंगे तो सी बराबर कितना आ जाएगा 7/25 आ जाएगा, 7/25 सही है ना, चेक कर लेता हूँ। देखिए सी है 7 यहाँ पे 50 और 5 से काटेंगे 5 × 7 = 35 और सॉरी यहाँ पे 10 आ जाएगा 7/10 ना 7/10 उम्मीद करता हूँ कि दिखाई दे रहा होगा। तो यही इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा क्योंकि हमसे देखिए क्या पूछा गया है, तो उसी कार्य का कितना भाग सी द्वारा 3.5x दिनों में पूरा किया जा सकता है, कितना भाग पूछा गया है। तो बस ये निकाल के उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, ये वाले क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बनता है तो आपको देखिए सेकेंड राउंड में इसको सॉल्व करना है ना, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं आपको देखिए जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिया हूँ जो CGL में पूछे गए हैं। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक हाल की लंबाई चौड़ाई और ऊँचाई 10 मीटर 20 मीटर और 15 मीटर है, तो 10.20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से हाल के अंदर की दीवारों और छत को सफ़ेदी करने की लागत। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है, तो हमारा होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 कोस्ट में हमारा होता है यल प्लस बी और इनटू क्या होता है हमारा हाइट होता है। अब हमसे क्या पूछा गया, देखिए चारों दीवारों का पूछा गया लेकिन देखिए हाल के अंदर की दीवारों प्लस छत, छत का एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे यल इंटू बी आ जाएगा। बस आपको ये करना है, जैसे यहाँ से अगर आप लोग निकाल देंगे देखिए 2 और कोस्ट में क्या आ जाएगा यल इंटू बी यानी यल का मान है 10 और यहाँ पर 20 और 10 20 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें 30 और गुणे यहाँ पे कितना यच का मान है 15 और प्लस यहाँ पे देखिए यल का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 और 20 दिया गया है तो यहाँ पे 200। अब देखिए यहाँ पे 15 × 3 = 45 दुना के 900 प्लस ये 200 अगर आप लोग ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 1100 और बस आपको क्या करना है इसी का 10.20 में गुणा कर देंगे। तो जैसे गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जैसे आप लोग गुणा करेंगे तो 112 20 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 112 20। तो उम्मीद करता हूँ कि देखिए इजी टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक लगाना था, नहीं तो कुछ लोग डायरेक्ट ये फार्मूला लिखते और सॉल्व करते बोलेंगे कि आंसर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क करवा दिया गया है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा लेवल का है, एग्जाम में डायरेक्ट देखने पे हिट नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए P प्लस क्यू प्लस आर बराबर आपको कितना दे दिया गया है PQR 1/P + 1/Q 1/R बराबर आपको कितना दे दिया गया है 1 दे दिया गया है। हमसे क्या निकालना है PQ प्लस Q Q + RQ। देखिए सबसे पहले आप लोग इसको समझिए, अगर आप लोग इसको लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले LCM आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे LCM PQR आ जाएगा, यहाँ से अगर P से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा QR और प्लस Q से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा PR। देखिए पहले ये लिखे उसके बाद से इसको काउंट करेंगे तो ये वाला कट जाएगा QPR और उसके बाद से क्या आ जाएगा अब ये हमारा PQ आ जाएगा, यही बराबर आपको कितना दिया गया है 1।
यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये फार्मूला अगर आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोग सवाल को आसानी में लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू क्यू, उसके बाद से यहाँ पे आ जाएगा आर क्यू, और माइनस क्या होता है, थ्री पी क्यू आर, बराबर क्या होता है, तो देखिए होता है हमारा पी प्लस क्यू प्लस क्या होता है आर, ये कोष्ट में रहता है, उन अंदर कोष्ट में क्या आ जाएगा, तो हमारा देखिए पी प्लस क्यू और प्लस क्या होता है आर, आर का क्या होता है स्क्वायर, माइनस यहाँ पे थ्री कोष्ट में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका पी क्यू, पी क्यू लिख सकते हैं और पी आर लिख सकते हैं और ये क्यू आर लिख सकते हैं, और ये कोष्ट बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसका मान, देखिए पी क्यू आर का मान कितना दिया गया है, वन दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे, और कोष्ट में क्या बचेगा, देखिए वन का स्क्वायर करेंगे वन, अब माइनस थ्री, देखिए पी क्यू क्यू आर, सॉरी क्यू आर और पी आर, क्यू आर क्यू आर सही तो है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, देखिए पी क्यू आर का एलसीएम निकालेंगे पी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा क्यू आर, पुनः ये क्यू कट जाएगा तो पी आर आ जाएगा, आर कट जाएगा पी क्यू, हाँ तो ये कितना दिया गया है, वन दिया गया है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, वन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस और इसका भी मान वन है, इसको हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लिए हैं, के। अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, के माइनस थ्री, अब यहाँ से जैसे घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, माइनस दो, तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा, माइनस दो और ये प्लस थ्री, जैसे कर देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, प्लस वन, तो इस सवाल का राइट आंसर प्लस वन आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल 2023 में भर भर के पूछे गए थे। देखिए लिखा गया है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर एक वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 रुपये है, तीन दुकानदारों में पहला 25% और 15% की दो क्रमिक छूट देता है, दूसरा दो क्रमिक छूट 20% और 20% की अनुमति देता है, और तीसरा दुकानदार 30% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है। तो हमसे पूछा गया है ग्राहक को किस दुकानदार से अधिक लाभ होगा, अब ग्राहक को होगा किसको सबसे अधिक लाभ मिलेगा, तो सबसे पहले हमें यह फाइंड करना पड़ेगा कहाँ पे डिस्काउंट मतलब अधिक दिया जाएगा, जहाँ पे डिस्काउंट अधिक दिया जाएगा तो वहीं पे ग्राहक को लाभ होगा, भाई कम डिस्काउंट पे जाएगा ग्राहक तो वहाँ पे तो उसको घाटा हो जाएगा ना, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, वही फाइंड करना है। देखिए पहला दुकानदार क्या दे रहा है, सबसे पहले डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो जान लीजिए डी वन प्लस डी टू माइनस क्या आ जाएगा आपका डी वन और गुणे डी टू बटा में क्या होता है 100 होता है, तो पहला दुकानदार देखिए 15 ऐड कर देंगे, 25, 35, 10, 40, तो यहाँ पे D1 और D2 जोड़ देंगे 40 माइनस, देखिए 25 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 375 होता है, ये तो सभी का पता होगा, 100 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 3.75, जैसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा ये 36.25% आ जाएगा। चलिए भैया दूसरे दुकानदार के पास चलते हैं, देखिए दुकानदार दूसरा क्या बोला है 20% की दो क्रमिक छूट, 20, 20, 40, यहाँ पे क्या लिखेंगे 40 और 20 का 20 में गुणा करेंगे 400 को 100 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे जैसे घटा देंगे कितना आ जाएगा 36% का डिस्काउंट दे रहा है। अब तीसरे दुकानदार के पास चलते हैं, देखिए 30 10 यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 और 300, 10 का 3 में गुणा करेंगे 300 और भाग कर देंगे 100 से 30, 40 में से 3 घटा देंगे 37%, मतलब तीसरे दुकानदार में ग्राहकों को क्या होगा, लाभ होगा, तो यही इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा, मतलब ये तीसरा दुकानदार आएगा ना, यहीं पे ग्राहक को लाभ मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट यहीं पे दे रहा है, तो जाहिर बात है इसी को लाभ मिलने वाला है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, देखिए इस सवाल को लगाने के लिए देखिए मल्टीपल अप्रोच होता है, या तो फार्मूला डायरेक्ट लगाइए या तो वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए क्या दिया गया है, ए प्लस बी माइनस सी बराबर आपको 20 दिया गया है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 152 दिया गया है, तो हमसे ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3ab का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए इस सवाल में वैल्यू पुटिंग भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखिए ये तीन वेरिएबल है और दो इक्वेशन दे दिया गया है। अगर आप लोग देखिए अगर यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, तो पुट कीजिए सी, सी बराबर आप लोग क्या ले लेंगे 0, जैसे सी बराबर 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सी बराबर जैसे अगर आप लोग 0 पुट करेंगे तो देखिए ए प्लस बी बराबर कितना मिल जाएगा 20 मिल जाएगा, उसी प्रकार यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर आपको कितना मिल जाएगा 152 मिल जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, देखिए हमें कुल मिलाकर ए क्यू और ये बी क्यू फाइंड करना है, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी है और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सीधे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं,
यहाँ पे 20 का स्क्वायर कर देंगे 400 में से ये इधर आके घट जाएगा तो क्या घटा देंगे 152 और बराबर क्या होता है हमारा 2ab होता है। अब देखिए 400 में से 152 घटाइए तो सबसे पहले देखिए यहाँ से कितना मिलेगा आपको 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा 4 और 3 में से 1 जाएगा 2, 248 बराबर क्या आ जाएगा आपका 2ab आ जाएगा। और 2 से जैसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से ab बराबर कितना आ जाएगा, ab बराबर आपका 124 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमसे ये Q वाला पूछा गया है तो Q वाला हम लोग क्या कर देंगे, फार्मूला लगा देंगे। देखिए A प्लस बी का Q होता है तो A प्लस बी यहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया है तो 20 का Q कर देंगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8000 यही बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू को हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे के ले लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका के प्लस क्या होता है 3 होता है और ए बी का मान हमें कितना मिल गया, देखिए 124 मिल गया है और ए प्लस बी का मान कितना है 20 है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 3 दुना के 6 हो जाएगा और 6 चौके 24 के 4 एक जीरो तो रहेगा ही, और देखिए 3 दुना के 6 12 6 72 72 दो कितना आ जाएगा 74 और यही क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस के और बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। तो यहाँ से के बराबर जैसे इसको टर्म को इस साइड ला के घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा तो ये 560। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 560 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आप लोग अच्छे से समझिए। लिखा गया है एक दुकानदार 18% की छूट देकर अपना सामान बेचता है और फिर भी 30% लाभ अर्जित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर अपना माल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत 0.2 स्थानों तक सही क्या होगा। तो देखिए एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए क्या होता है CP/MP बराबर क्या होता है, CP/MP बराबर होता है 100-D और बटा में आपका क्या होता है ये 100+P होता है। तो CP हमें नहीं दिया गया है, बस बोला गया है तो CP/MP यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए डिस्काउंट कितने का दे रहा है 18%, तो 100 में से अगर आप लोग 18 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 82 और बटा में देखिए 100 में अगर 30 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा ये 130 आ जाएगा। अब हमसे क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट, अंकित मूल्य ये आपका है ना, इस पर 12% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप लोग सोचिए अगर आप लोग 130 का, देखिए ये सब ओरली किया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग ओरली करेंगे तो आसानी में लगा सकते हैं। देखिए अगर 130 का 10% निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 13 मिल जाएगा। अब जैसे 130 का अगर आप लोग सोचिए 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1.3 आ जाएगा, इसका 2% निकालेंगे 2 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 2.6 आ जाएगा। अब जैसे इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 12% 13 दो कितना आ जाएगा 15.6 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 15.6 जैसे घटा देंगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 114.4 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया है, देखिए ये SP आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया है क्योंकि जब भी अंकित मूल्य से हम लोग डिस्काउंट देते हैं तो हमें क्या मिलता है विक्रय मूल्य। अब देखिए आपका क्रय मूल्य कितना है 82 रुपया, अब विक्रय मूल्य कितना है 114.4। तो आप लोग ऐसे सोचिए 82 रुपये का सामान आप लोग 114.4 में बेच रहे हैं तो आपको कितने रुपये का फायदा हो रहा है। तो यहाँ से देखिए 114 में से अगर 82 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर अगर आप लोग निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा तो देखिए 32.4 आ जाएगा और बटा में आपको क्या करना है 82 करना है और गुणे यहाँ पर क्या करना है 100 करना है। बस देखिए अगर आप लोग ऑप्शन यहाँ पे रहता है क्योंकि यहाँ पे जगह कम बचा है तो ऑप्शन नहीं रखें। देखिए 3/8 देखिए ऑप्शन यहाँ पे दूर दूर दिया था तो 37% से एबव ऑप्शन आएगा मतलब ऊपर आएगा। तो आप लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे ना तो देखिए ये 39.51% आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, रवि प्रारंभ में अपनी वार्षिक आय का 20% बचाता है, हाल ही में
उसकी मार्षिक आय 25% की वृद्धि की गई, उसकी नाम मात्र बचत में 5% की वृद्धि हो गई। तो रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नाम मात्र आय का कितना प्रतिशत बचाता है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगता है, तो इनकम बराबर क्या होता है, मान लीजिए इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो मान लेते हैं ये रवि की आय क्या है, 100 है, 20% बचा रहा है, मतलब 20 रुपया बचा रहा है, तो ये 80 रुपये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। और बोला गया है, देखिए क्या बोला गया है, तो इसकी आय 25% बढ़ जाती है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 125। और खर्च भी क्या बोला गया है, देखिए 5% बढ़ रहा है, मतलब 1 बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जा रहा है, 21 हो रहा है। अब इसी का परसेंटेज हमसे पूछा है, इसका क्या पूछा है, परसेंटेज, बस यही हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 21 बटा में 125 और गुणे ये 100, देखिए 25 पचे 125 और 25 चौके 100 और 21 चौके कितना आ जाएगा, ये 84। 84 बटा में आपको क्या करना पड़ेगा, 5, जैसे इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 5 एक में 5 यानी 34, 5 एक 30 दशमलव और 5 8 40 16.8 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए ये भी देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट टाइप है, क्योंकि ये मतलब समझ जाइए इसमें मतलब SSC में कई बार, CGL में कई बार पूछा गया है, CHSL में भी इस पर क्वेश्चन आए हैं, तो हो सकता है आपके किसी न किसी शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, देखिए यदि राज्य बी और राज्य सी की प्रत्येक जनसंख्या 6000 है, तो इन दोनों राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं की कुल संख्या, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बी है, इस पर फोकस करना है, यहाँ पे सबसे पहले बी और सी में चलिए, तो हम लोग बी प्लस सी में एक साथ चलते हैं। देखिए टोटल जनसंख्या हमारी कितनी दे दिया गया है, 6000, तो यहाँ पे आप लोग 6000 लिखिए, प्लस देखिए बी का 13%, 6000 का आपका क्या निकलना है, 13 अब बटा में ये 100 कर दीजिए और गुणे, देखिए महिलाओं की संख्या, देखिए इधर वाले मेल हैं और इधर वाली फीमेल है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 बटा में 8 5 13 आ जाएगा, यहाँ पे 13 प्लस यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 6000 और यहाँ पे प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26%, 26 बटा में 100 और गुणे यहाँ पे कितना दिया है, 9 यानी 4 फीमेल कितनी है, 4 बटा में 9 आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये फीमेल हैं और ये मेल हैं, तो महिलाओं की 4 बटा में 13। अब बस इसी को डिवाइड करना, देखिए ये 13 से ये 13 कट जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, इधर ये 100 से ये कट जाएगा, और ये सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, सॉरी गला बैठ गया है, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13, 13 दुना के 26, 4 दुना के 8, 8 छक 48, तो यहाँ पे 480 और प्लस देखिए 6 5 300 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 780, ये 780 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बड़ा में, 780 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो चलिए एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, मुझे नहीं पता है कि आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए कुल टाफी में से 1/10 बेकार हो गई और शेष 35% यश को दी गई और कुल 1/8 यन को दी गई। यदि यन के पास टाफी बेकार, देखिए यन के पास टाफियाँ बेकार टाफियों से 10 अधिक है, तो यश को कितनी टाफी दी गई थी? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1/10 दिया गया है, यहाँ पे 1/8, 10 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, 80। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 और 8 एलसीएम कितना आ जाएगा, 80। टोटल मान लेते हैं हमारे पास कितनी टाफियाँ हैं, 80। और देखिए यहाँ पर बोला गया 80 का 1/10 निकाल देंगे, ये 8 जो है, देखिए टोटल टाफी 80 है, 80 है ना टोटल, अब ये 8 टाफी क्या हो रही है, बेकार हो गई है, तो बी मान लेते हैं। तो कितनी टाफी भैया सही है, 8 बेकार हो गई है, तो 72 हमारे क्या है, ये सही टाफी है। उसके बाद से बोला गया है, देखिए शेष टाफी जो शेष है, शेष 35% यश को दी जाती है, मतलब ये वाला जो 72 है ये आपको किसको दिया जा रहा है, यश भाई साहब को दिया जा रहा है। अब आगे बोला गया है, यदि यन के पास टाफी बेकार 10% देखिए यश को दी गई और कुल 1/8 यन को दी जाती है, अब टोटल हमारा कितना है, देखिए यहाँ पे यन को कितना मिलेगा, तो 80 का 1/8 निकाल देंगे तो 10 यन को मिल जाएगा, यन को कितना मिल गया है, 10 मिल गया है, बस सवाल अब सॉल्व हो गया। देखिए इन दोनों का अंतर आपको कितना दिया गया है, दिया गया है कितना, 2 का 2 यूनिट बराबर आपको कितना दिया गया है, 10, तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 5। अब देखिए ये जो 72 यूनिट आया है, समझिए 72 का 35% हमको ज्ञात करना है, ये यश को मिल रहा है, तो 35 बटा में 100 कर देंगे। अब देखिए अगर 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 5 से ये 20 बार में चला जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा,
ये 36 और 10 से भाग कर देंगे तो ओवरऑल यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 3.6×7। अब यही 5 का इसमें आप लोग गुणा कर देंगे, देखिए तो 5×15 = 36 यानी 18, 18×7 कर देंगे कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। तो देखिए सवाल लगाने का अलग अलग तरीका होता है, कैसे आप लोग अगर आप लोग देखिए ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ आप लोग ओरली इसको देख के सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। तो उम्मीद करता हूँ कि देखिए यहीं तक मैं क्वेश्चन लिया हूँ, देखिए आप लोग भले कोई टाइप करके मत जाइए लेकिन इस वाले टाइप को देखिए इंपॉर्टेंट दे दीजिए, क्योंकि समझिए ये वाला टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाई चांस अगर क्वेश्चन बनता है तो इसी टाइप का आएगा, क्योंकि देखिए लास्ट में जाते जाते पेपर मॉडरेट लेवल का आता है, तो यही मॉडरेट यही क्वेश्चन है जो सिलेक्टेड लिया हूँ जो आपको सबसे अलग बनाएंगे। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।